ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर घोषित कार्यक्रम के तहत साथियों के साथ दिल्ली संसद भवन पर धरना देने जा रहे भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत नौटियाल को उनके घर में ही पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। कोरोना को लेकर देश में बदहाल व्यवस्थाओं के विरोध में आज भीम आर्मी दिल्ली संसद भवन पर करने जा रही थी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। दिल्ली जाने से पहले ही भीम आर्मी नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। बॉर्डर एरिया पर की जा रही चेकिंग, देखिए भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनजीत नौटियाल ने क्या कहा। मनजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या आज हम लोगों ने, आज से 10 दिन पहले, सभी देश जानता है, पूरे देश की जनता जानती है कि हमारा देश वर्तमान में कोरोना महामारी से गुजर रहा है। इसको देखते हुए सरकार की जो अव्यवस्था फैली हुई है, सरकार कोरोना से निपटने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो हमने सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल के लिए चेतावनी दी थी, परंतु सरकार ने वो आगाह किया था और लेकिन सिस्टम को नहीं सुधर पा रहा है। तो आज हमने तय किया था कि 13 मई में हम संसद भवन के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और जैसे ही शासन और प्रशासन को पता लगा तो प्रशासन ने मुझे रोकने की कोशिश की और चारों पूरे जिले में सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अभी प्रशासन लोगों से मुझे सूचना दी गई है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए सरकार यदि नहीं जागेगी, यदि देश की जनता नहीं बचेगी, तो हमारा राष्ट्र जो है कमज़ोर हो जाएगा, राष्ट्र निर्माण कमज़ोर हो जाएगा, और हम नहीं चाहते। भीम आर्मी चाहती है कि देश में जनता को किसी भी परिस्थिति में बचाया जाए, देश की जनता को किसी परिस्थिति में बचाया जाए, और उसकी जिम्मेदार सरकार है। यदि सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए, और हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। मैं जहां मेरा आवास है, मैं वहां पर भूख हड़ताल जरूर करूंगा। यदि प्रशासन ने मुझे रोका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के होने के नाते मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ये नहीं चाहता कि भीड़ इकट्ठा हो, मैं आंदोलन करूँ, ये आंदोलन करने का वक्त नहीं है। मैं अकेला भूख हड़ताल पर बैठूंगा जिससे कि सरकार को लगे कि व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मैं भूख हड़ताल करूंगा। मैंने जो इस देश की जनता से वादा किया है कि मैं आपके अधिकारों के लिए, आपको बचाने के लिए, सरकार को जगाने का काम करूंगा, और भूख हड़ताल में आज से ही शुरू कर रहा हूँ। जैसे ऑक्सीजन प्रत्येक जिले में जो कोरोना के मरीज हैं, यदि उनको जैसे ही अस्पताल के बाहर ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स वहां पर अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन जो है बड़े बड़े नेताओं की सिफारिशों से मिल रही है, और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। 80% मरीज कोरोना के वेंटिलेटर की न होने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग वेंटिलेटर की व्यवस्था कीजिए। हमने अभी भी कुछ दिन पहले, हम बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से ये आगाह कर रहे हैं कि आप लोग वेंटिलेटर का उत्पादन क्षमता बढ़ाइए, औद्योगिक क्षेत्र में आदेश कीजिए कि वेंटिलेटर बनाए जाएं और उनको कर GST में छूट दी जाए, जिससे कि उत्पादक क्षमता बढ़ सके और वेंटिलेटर की व्यवस्था बन सके, जिससे कि इस देश की जनता को बचाया जा सके। तो जानबूझकर देश की जो सरकार है वो व्यवस्था नहीं करना चाहती है, वो चाहती है कि अव्यवस्था फैली रहे, और ये बीमारी किसी भी सूरत में बरसात नहीं करेगी।